फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th ऑफ द साइंस बुक. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, हम क्या करने वाले हैं इसमें. हम इसमें, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी डेट शीट आ गई है 9th और 10th की. तो आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी. लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, डेली हम 10 क्वेश्चंस जो हैं इसमें सॉल्व करेंगे. आप अभी देखेंगे आगे इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन हम उसमें विद रीज़न इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपकी क्या होगी, एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस है उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ में उस टॉपिक की भी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो एंड तक इस वीडियो को देखिए. सो लेट स्टार्ट. देखिए, इसमें जैसा कि हमने लिखा ना वीडियो में, 100% चांस है टू कम इन पेपर. सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम इन योर एग्ज़ाम. ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ. पहले आंसर नहीं देखना, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझना है. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ किससे, डीएनए ओनली, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, या फिर डीएनए ओनली. तो आपको ये बताना है. अब देखिए क्रोमोसोम्स, आप जानते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. तो देखिए क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि आपका ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये डीएनए नॉर्मली किसकी फॉर्म में रहता है, थ्रेड की फॉर्म में रहता है. ठीक है, थ्रेड की फॉर्म में रहता है ये. और जैसे ही सेल की डिवीज़न होती है तो ये क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है. और कंडेंस होकर क्या बनाता है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स बनाता है. तो हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जैसे मेल है फीमेल है, तो कितने 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं इंडिविजुअल. ठीक है, हर एक सेल के अंदर. तो अब ये बताना है कि क्रोमोसोम जो होते हैं, ये जो क्रोमोसोम है जो डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जो जेनेटिक मटीरियल को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी करते हैं, वो फॉर्म किससे होते हैं. तो आप बताइए, डीएनए से होते हैं, प्रोटीन से, डीएनए एंड प्रोटीन, या फिर आरएनए. तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा डीएनए एंड प्रोटीन. चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो एक्सप्लेनेशन क्या है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. देखिए जैसे हमने इसमें बताया, डीएनए की फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वोवन टुगेदर. ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना होता है, डीएनए से, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना होता है. ठीक है, सो क्रोमोसोम्स हैव बीन डिफाइंड एज बंडल ऑफ टाइटली कॉइल्ड डीएनए लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी. हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और हर न्यूक्लियस किसको कैरी करता है, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, और ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है. दिस यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कीप्स डीएनए टाइटली रैप्ड अराउंड स्पूल लाइक प्रोटीन नेम्ड हिस्टोन्स. ये जो डीएनए होता है ये कुछ इस तरीके से, अगर इसको खोला जाए तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से, प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं. ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोन होते हैं. ठीक है, ह्यूमंस हैव 23, हमने यहाँ पे भी बात की कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. देखिए जैसे मेल है और फीमेल है, ठीक है, तो मेल के अंदर कितने होंगे 23 और फीमेल के अंदर कितने होंगे 23. लेकिन दोनों में कॉमन क्या होता है, 22 पेयर्स दोनों में कॉमन होता है, मतलब सेम होंगे 23 इसमें भी और इसमें भी बिल्कुल सेम. जो 23rd पेयर होता है दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, वो वेरी करता है. कैसे, मेल के अंदर 23rd पेयर 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, एक्स वाई हो जाता है, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स हो जाता है. ठीक है, इसी के कारण जो वेरिएशन देखने को मिलती है मेल और फीमेल में, ये सिर्फ 23rd पेयर क्रोमोसोम के कारण मिलती है, बाकी 22 पेयर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट जनरली इज. देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है
प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पे डिटेल में। देखिए विटामिन क्या है, ग्लाइकोजन्स की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, तो विटामिन नहीं होता, ठीक है, ग्लाइकोजन नहीं होगा और ना ही अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड तो प्रोटीन का डेरिवेटिव है, ग्लाइकोजन फैट का, और विटामिन मिनरल्स तो अलग है। सो विथ स्टार, स्टार क्या होता है, स्टोर किया जाता है प्लांट में, जो लीव्स होती है वो स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में। देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, सेकेराइड्स जो होते हैं, जो सेकेराइड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं मोनो, दूसरे होते हैं डाई और तीसरे होते हैं पॉली। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू, पॉली मतलब मैनी, ठीक है। तो इसमें एक चेन होती है, जो मोनो चेन होती है उसे मोनोसेकेराइड बोलते हैं, जिसमें दो सेकेराइड्स होते हैं डाई और जिसमें बहुत सारे वो पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन, क्या एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है, एनिमल्स एंड प्लांट फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फॉर फूड स्टोरेज और फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को बोला जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप इंक्लूड्स शुगर, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज प्लांट के अंदर होता है, स्टार्च प्लांट के अंदर है, शुगर हम में भी होता है, प्लांट में भी होता है, ठीक है। स्टार्च इज the usual form in which carbohydrates are stored as energy by plants, ठीक है, जिसमें कि जो starch form है वो carbohydrate की form, carbohydrate का एक derivative है, जिसे कि plants क्या करते हैं, store करके रखते हैं। So यहाँ तक I hope आपको explanation समझ आई second question की भी। So चलिए next question पर चलते हैं, question number third पे। So हमारा question number third क्या है, within the cell the site of respiration is, जो सेल है सेल के अंदर रेस्पिरेशन साइट क्या होगी बताइए। फर्स्ट है हमारा राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होंगे, गोल्गी अपैरेटस होंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। आंसर नहीं देखना, आंसर क्या है वैसे, सी है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है सेल के अंदर। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अलावा इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है, जहाँ खाना बनता है, किचन ऑफ द सेल। खाना बनने का मतलब क्या है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है, करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानी जाती है, करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को क्या करता है, एनर्जी देता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है उनको उनके काम करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन साइट बोली जाती है, ठीक है। द रेस्पिरेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द मैट्रिक्स एंड ऑन द ऑक्सीजोम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दो लेयर्स होती है इसकी, इनर एंड आउटर। इसके अंदर ये जो रीजन होता है फोल्डेड, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको ऑक्सीजोम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करता है ये, जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी की फॉर्मेशन करता है, विच इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दीज एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज टू ड्राइव द अदर केमिकल रिएक्शंस, और ये इस एनर्जी का यूज़ जो है वो ऑल ओवर द सेल में बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस के लिए किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स लैकिंग न्यूक्लियस द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लैकिंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं, इसमें किसमें होंगे, तो इसमें ऑप्शन है डिप्लॉयड्स, प्रोकैरियोट्स, हैप्लॉयड्स एंड यूकैरियोट्स। देखिए आपने लोअर क्लासेस में यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर डिवीजन पढ़ी होगी, तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे वो क्या होते हैं, वो
थोड़े से कम इवॉल्व होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा मैच्योरेशन नहीं होती इनके अंदर, इवोल्यूशन नहीं होती, तो इनका जो न्यूक्लियस है उसका मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है। मतलब इमेजिनरी हम बाउंड्री बनाते हैं कि ये सर्कल क्या है, न्यूक्लियस है सेल के अंदर, लेकिन पर्टिकुलर एक बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो लैकिंग न्यूक्लियस किस में होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स आर डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, द बैक्टीरिया एंड आर्के। ठीक है, जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं, देखिए विच साइंटिस्ट बिलीव हैव यूनिक इवोल्यूशनरी लाइन। ठीक है, मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि ये उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, इवॉल्व नहीं होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती इनके अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट दे हैव नो इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। देखिए ये सेल है, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल है, तो इस ऑर्गेनल के ऊपर बाउंड्री नहीं होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये, आप इसे याद रखिए, पी से पुराना। ठीक है, तो पुराने लोग मतलब उतनी मॉडर्न चीज़ें नहीं है इसके अंदर, तो मेम्ब्रेन नहीं होगा। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, देखिए विद इन देयर साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्या है, द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, जो चीज़ें इनके अंदर नहीं है वही चीज़ें इन्होंने खुद में इवॉल्व कर ली। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दो कैटेगरी है ना, बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि क्या होते हैं, इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोट्स कैरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। इनके न्यूक्लियस में सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, या फिर इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ऑफ द सर्कुलर डीएनए। इनमें क्या होता है, सर्कुलर इस तरीके से होगा, इस तरीके से कुछ सर्कुलर डीएनए होता है, इसको प्लाज्मिड बोला जाता है। आप हाइयर क्लासेस में इस चीज को पढ़ेंगे कि जो ये प्लाज्मिड है, जो यूकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, इसका यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है उसमें इस प्लाज्मिड का यूज करके जो फॉरेन डीएनए होता है उसको नेक्स्ट बॉडी के अंदर इजेक्ट किया जाता है। सो देखिए, द डीएनए इज प्रोकैरियोट्स इज कंटेन्ड इन अ सेंट्रल एरिया ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूक्लियोइड विच इज़ नॉट सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। ठीक है, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, इसमें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं होता। मैंने प्रोकैरियोट्स ऑल्सो कैरी स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल प्लाज्मिड। देखिए यहाँ पे हमने प्लाज्मिड की बात की, तो प्लाज्मिड होता है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्रोमोजोमल डीएनए एंड कैन प्रोवाइड जेनेटिक एडवांटेजेस इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट। और ये जेनेटिक एडवांटेजेस देते हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे यू बैक्टीरिया होता है, या फिर एस्क्रीशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसका प्लाज्मिड लिया जाता है और इस प्लाज्मिड के स्पेसिफिक एरिया को कट करके क्या किया जाता है, इसके साथ जो फॉरेन डीएनए होता है इसको जॉइंट किया जाता है और उसको नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक्स की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज नॉट हैव मैम्ब्रेन। किसके पास मैम्ब्रेन नहीं होगा इनमें से, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें ऑर्गेनल्स पूछ रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनको छोड़ के अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या ऑर्गेनल है, एक तरीके का ग्रैन्यूल होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। देखिए यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, जो यूकैरियोट्स, अभी हमने प्रोकैरियोट्स की बात की, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर एक एनवलप होता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए अगर हम क्लोरोप्लास्ट, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन सेपरेट बाय अ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ 10 to 20 नैनोमीटर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो कि एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट है, जो किसमें हेल्प करता है, फोटो सिंथेसिस में। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते होंगे शायद। तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड इनर, जो कि इसकी रेंज क्या होती है, 10 to 20 नैनोमीटर। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया टू हैज़ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। अभी हमने पीछे बात की थी पावर हाउस ऑफ द सेल की, उसमें इनर और आउटर दो मेम्ब्रेन होते हैं, मैट्रिक्स होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स टू फॉर्म क्लस्टर। ठीक है, राइबोसोम्स आर द ट्रांसलेशन अपैरेटस ऑफ द सेल। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ट्रांसपरेशनल क्या है, अपैरेटस है ऑफ द सेल टू मेजर कॉम्पोनेंट्स द स्मॉल राइबोसोम्स सब यूनिट्स विच लीड द RNA। ठीक है, एंड द लार्ज सब यूनिट जॉइंट अमीनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट में डिवाइडेड है। जो स्मॉल होता है, यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो क्या करता है, RNA की फॉर्मेशन करेगा, इसके लिए काम करेगा। और जो लार्ज होता है वो किसके लिए काम करेगा, क्या करेगा, इसमें अमीनो एसिड को जॉइंट करने का काम करता है ये। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू। सो ईच सब यूनिट इज कम्पोज ऑफ वन और मोर RNA। RNA मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट RNA बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड अ वेराइटी ऑफ प्रोटीन, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी मैम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई मैम्ब्रेन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है हमारा, नेट